वेलकम टू माय चैनल असंखा। टू लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी तो कमेंट करना आप मत भूलना। आज की पेंटिंग है उन बिगनर्स के लिए जिन्होंने बस अभी पेंटिंग करना स्टार्ट किया है। आज की पेंटिंग में आपको बताऊंगी कि ब्रश की टेक्निक से आप वन स्ट्रोक पेंटिंग कैसे कर सकते हैं। इस पेंटिंग में मैंने बहुत मिनिमम कलर्स का ही यूज़ किया है, जैसे कि पिंक, वाइट और सैप क्रीम कलर मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश विद साइज 0 का इस पेंटिंग में यूज़ किया है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिंक कलर से फ्लावर को फॉर्म किया है और फिर उसमें मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है। यहाँ पर ब्रश की टेक्निक ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रश के ऊपर आपने सबसे पहले थोड़ा सा पिंक कलर लेना है और उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ हमने पुश करना है। थोड़ा सा यहाँ पर हमने ब्रश के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करना है। जब आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर फ्लावर की ब्रांचेस को भी मैंने बहुत सिंपल रखा है और ब्रश भी मैंने सेम ही यूज़ किया है, फ्लैट ब्रश विद 0 साइज। यहाँ पर मैंने सैप क्रीम कलर का यूज़ किया है फ्लावर की ब्रांचेस और लीव्स के लिए और उनको एक ही स्ट्रोक में मैंने उनको पेंट किया है। अगर आप भी फैब्रिक पेंटिंग में बिगनर हैं और ऐसी पेंटिंग्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएंगी। एंड आपको अगर पेंटिंग में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो ही बनाई थी, बट आई होप कि आज की पेंटिंग में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आप भी ये पेंटिंग कर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।